हेलो एवरीवन, हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी बताओ, आपको आवाज़ क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। आवाज़ क्लियर है सबको? आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। गुड, सो गाइस, ओके गाइस, स्टार्ट करेंगे अभी। पहले तो जो आप लोगों की सबकी विशेज आ रही हैं, मैं उनको पढ़ रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। एंड इसी तरीके से आप अपना प्यार जो है बना के रखें मेरे साथ। और यही मैं मतलब आपसे उम्मीद करता हूँ। और अपने आप से भी एक प्रॉमिस ये है कि आप लोगों को जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँ और जब मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं उतनी शक्ति, उतनी पावर से, सेम जिस तरीके से अभी तक मैंने पढ़ाया है, तो मैं आगे भी आपको ये पढ़ाता रहूँ ऐसे ही। ठीक है? जस्ट ए सेकेंड। जी सबको गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस, टीचर्स डे विशेस। मैं एक एक्चुअली मैंने एक लाइट नहीं चलाई थी, तो जस्ट एक लाइट चला लूँ मैं, सो डैट थोड़ा सा जो है यहाँ पे वो दिक्कत ना हो। जी नाउ दिस इज क्लियर नाउ? यस, ओके। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। मैं कल से बहुत सारे मैसेजेस टेलीग्राम पे पढ़ रहा हूँ, और सारे मैसेजेस जो हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आप ऐसे टैग्स कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। आप लोगों की जो है रिस्पेक्ट, मतलब जो आप मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, इतना अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली बात है, आप लोग इतना प्यार करते हैं तो अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें लगती हैं ऐसे ही कि अच्छा है, और इसी तरीके से जो हमारा बॉन्ड है वो ऐसे ही बना रहे, और हम कोशिश करेंगे आप सबकी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है जी। चलिए गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल अवेयरनेस का सेट नंबर वन, जिसके अंतर्गत हम आज डिस्कस करेंगे कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस प्लस जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन आगे से इस तरीके से चलेगा, प्रॉपर तरीके से आपके जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यूज, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो है साइंस, सबके मैं मिक्स क्वेश्चन करूंगा, प्लस जो है करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें रहा करेंगे, ताकि जो है आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जो है एक हॉलिस्टिक अप्रोच कंसोलिडेटेड वे में आपको मिलती चली जाए। ठीक है? एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। नाउ स्टार्ट करते हैं स्टडी की तरफ, एंड उसके बाद लास्ट में अगर आपने मुझसे कोई बात करनी हो तो करेंगे, क्योंकि आज टीचर्स डे है तो मैं बात करूंगा। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जी तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सेट नंबर वन। जी सेट नंबर वन, और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए है, और क्योंकि टीचर्स डे है आज, तो कुछ जो है मेरी तरफ से आपको देना बनता है। ठीक है? सो ये है कि जो हमारा कोर्स है 10,000 एमसीक्यू कोर्स, इसकी जो प्राइस है सबसे लोएस्ट एवर मैंने यहाँ पे आज के दिन करी है, सो दैट इज द 7999। और इसमें आपको एक कोड यूज करना है, दैट इज टीच। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो ये आपको कोर्स 799 में मिल जाएगा। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आज ही इस कोर्स को परचेज कर लेना, क्योंकि कल जो होगी इसकी प्राइस
अगेन 2000 रुपीज जो पहले प्राइस थी वैसे ही हो जाएगी। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आज ही इसको परचेज कर लेना रात 12 बजे तक, ठीक है। सो ये कोर्सेज आपको मिलेंगे कहाँ पे, ये कोर्स मिलेगा कहाँ पे, हमारी स्टडी IQ ऐप और हमारी वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा सर्च बार, सर्च बार में डाल देना 10,000। जैसे आपने 10,000 डाला तो इस तरीके से आपको कोर्स नजर आ जाएगा। इसको जब आप परचेज करेंगे इसमें कोड डाल देना टीच, कैपिटल लेटर्स में टीच वर्ड डाल देना, तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा और कोर्स जस्ट 7,799 रुपीज में आपको मिल जाएगा। समझ आया आप लोगों को जी। बाकी जो भी सारे अपडेट्स वगैरह होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे। मेरे साथ यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं डॉक्टर विपिन गोयल के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, कोई एग्जाम पेपर डाउट्स हो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, कोशिश कीजिए सबसे ज्यादा आंसर देने की। ऑडियो क्लियर नहीं है, आई थिंक ऑडियो इज क्लियर ना, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आवाज क्लियर है ना? ये बच्चे ने क्यों बोला कि न्यू नो ऑडियो? आवाज क्लियर है ना आप लोगों को? अरे हाँ यस और नो तो बोलो। आवाज चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इन द आर्टिकल्स। संविधान के अंदर जो है हमारे धर्म का अधिकार दे रखा है, स्वतंत्रता का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सो दैट इज इन द आर्टिकल 25 to 28। 25 से 28 नंबर तक आर्टिकल आपके इसमें आते हैं, जिसमें आपका आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है कि आप अपने धर्म को प्रोपगेट कर सकते हैं, फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं। और 26 नंबर आर्टिकल क्या कहता है, आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। 27 क्या कहता है, अगर आप कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हैंडल कर रहे हैं उस संस्था का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 28 क्या कहते हैं कि आपको फ्रीडम है कि आप कोई भी जो है धर्म की कोई मीटिंग हो रही है या धार्मिक मीटिंग हो रही है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है आपके आर्टिकल नंबर 25 to 28 में देखने को मिलती हैं। सो दिस इज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला आर्टिकल। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो है आपके ये आर्टिकल तो चलो 25 से 28 नंबर तक है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें, हमने यूएसए से इसको बोरो किया है, पार्ट 3 में देखने को आपको मिलते हैं। पार्ट 3 को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं और इसके जो आर्टिकल हैं वो हैं 12 से लेके 35 तक, और ये जस्टिशिएबल हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं। चलिए जी फटाफट आंसर बताइए सेकंड क्वेश्चन का। वेरी गुड वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द बिल इज प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द बजट। बजट के साथ कौन सा बिल जो है पेश किया जाता है, जल्दी से जल्दी बताइए। बजट की अगर मैं बात करता हूं तो बजट आपका आर्टिकल नंबर 112 में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक साल में लेखा जोखा किस तरीके से आप जो है प्रॉपर तरीके से पैसे लेके आएंगे, वेज एंड मीन्स, कहां पे आपका पैसा आएगा और कहां से पैसा आप खर्च करेंगे, कहां पे खर्च करेंगे, ये सब चीजें इसके बारे में लिखा कहां पे हुआ है, बजट में भी लिखा गया है। बजट हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं और वो लोकसभा के अंतर्गत ही पेश किया जाता है। लेकिन बात ये है कि जब बजट पेश करते हैं तो उसके साथ आपका फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल जो है पास किया मतलब पेश किया जाता है। फाइनेंस बिल 117 नंबर आर्टिकल में आता है, अप्रोप्रिएशन बिल जो होता है आर्टिकल नंबर 114 में आता है। जो अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, जैसे ही अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है तभी पार्लियामेंट से मतलब जो है जो पैसा हम निकाल सकते हैं और उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल बजट के केस में आता मतलब बजट के साथ जो है पेश किए जाते हैं। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, हमें बताना है फीमेल लिटरेसी के कॉन्टेक्स्ट में सेकंड रैंक किसका आता है आफ्टर द केरला।
आपको पता है लिटरेसी रेट जो है हमारे भारत देश के अंतर्गत जो है, वैसे तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ हम इस आधार पे हम बात करते हो, बट हम बोलते हैं कि मिनिमम 7 साल एज होनी चाहिए और दूसरा जो है उसकी उसको साइन करते आने होने चाहिए, तो दैट इज द हमारी क्राइटेरिया। बट नाउ द पार्ट इज कि सेकंड आफ्टर द केरला फीमेल लिटरेसी रेट में कौन सी स्टेट आती है। अगर मैं बात करता हूं लिटरेसी रेट की, तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां पे है, केरल में, उसके बाद है लक्षद्वीप में, और उसके बाद जो आता है दैट इज इन द मिजोरम में आता है, और मिजोरम के बाद गोवा एंड त्रिपुरा, ये आपकी स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात आ रही है। सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन, चौथे नंबर पे कौन, क्लियर। और अगर मैं बॉटम फाइव की अगर मैं बात करता हूं, बॉटम फाइव में से सबसे लोएस्ट आता है वो आता है बिहार, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए लोएस्ट में कौन कौन सी स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि केरला के बाद कौन है, तो केरला के बाद लक्षद्वीप और मिजोरम आता है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप ऑप्शन में नहीं है, तो हम टिक करेंगे इसको, मिजोरम को टिक करेंगे। तो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर वन मिजोरम, क्लियर। मिजोरम की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे डैम्पा टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। त्रिपुरा में देखें इट्स क्लाउडेड ल्यूपर्ड नेशनल पार्क, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। गोवा में बात करें सलीम अली बर्ड सेंचुरी देखने को मिलती है, और सलीम अली जो है हमारे बर्ड मैन ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं। मेघालय में गैरो खासी जयंतिया नाम की हिल्स देखने को मिलती हैं, और मेघालय इज ए बॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, बादलों से घिरा हुआ शहर, क्लियर, मतलब स्टेट। आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉम्बे नाउ मुंबई एक्वायर्ड बाय द इंग्लिश ओरिजिनली बिलोंग टू द विच स्टेट, मतलब विच यूरोपियन कंपनी। बॉम्बे जिन्हें हम जी जी पहले सबसे पहले जो है बॉम्बे को एक्वायर किसने किया था, बॉम्बे को एक्वायर किसने किया था, पोर्तुगीज ने एक्वायर किया था, पर बाद में जो है इसको एक्वायर कर लिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था, ये याद रखना, पहले पोर्तुगीज, क्लियर। हमारे भारत देश में सबसे पहले आने वाले जो है पोर्तुगीज थे, सबसे लास्ट में जाने वाले भी पोर्तुगीज थे। हमने इनसे गोवा आजाद किया था 1961 में, एंड दैट इज ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, क्लियर। और ये आए कब थे, 1498 में, और केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आए थे, और कौन आया था, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जब पहुंचा था वो कहां पे पहुंचा था, कैलिकट, ठीक है, और वहां का राजा कौन था, जैमोरिन, दिस इज इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं आपको बता दूं, भारत में टोबैको कौन लेके आया था, दैट इज पोर्तुगीज लेके आए थे। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया कहां पे है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है आपका। नो टोबैको डे कब होता है, 31 मई को, 31 मई को नो टोबैको डे होता है। और पोर्तुगीज के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि जब टोबैको लेके आए थे जहांगीर के टाइम पे लेके आए थे, लेकिन जहांगीर ने इसकी कंजम्पशन जो है बैन की हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, क्लियर हो गया आप लोगों को। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पोर्तुगीज। अगला क्वेश्चन बताइए, हमारे इंडिया में इन कौन सी स्टेट में से सबसे ज्यादा शुगर मिल सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलती हैं। शुगर मिल्स की बात आ रही है, याद रखें शुगर मिल्स की बात आ रही है। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा शुगर मिल्स जो हैं, सबसे ज्यादा है कहां पे, दैट इज इन द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शुगर मिल्स हैं, क्लियर हो गया आप लोगों को। और प्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलती है, प्रोडक्शन की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, देन उसके बाद महाराष्ट्र में। लेकिन अगेन अब मैं बात करूंगा इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंशियल ईयर 22 की, ठीक है, तो इसमें महाराष्ट्र नंबर वन पे आया शुगर प्रोडक्शन में। तो ध्यान रखना है मैं बात क्या कर रहा हूं, पेपर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा शुगर मिल सबसे ज्यादा कहां पे, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। फिर अगर आपसे पूछा प्रोडक्शन में कौन है, तो यूपी लगाना है। अगर क्वेश्चन में ये डाल दिया कि अच्छा ये बताओ इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंशियल 2022 के अकॉर्डिंग जो है सबसे ज्यादा शुगर किसने प्रोड्यूस करी है, तो आपका आंसर बनेगा महाराष्ट्र बनेगा राइट आंसर, क्लियर हो गया आप लोगों को जी। ऐसा नहीं है कि रिसेंट अपडेट है, ये है पेपर में अगर क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंशियल ईयर 2022 के अकॉर्डिंग जो है कौन है, तो महाराष्ट्र करना है। अगर आपसे पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोडक्शन में कौन है सबसे ज्यादा, तो यूपी ही टिक करते हैं। द रीजन बीइंग क्योंकि यूपी हमेशा नंबर वन पे ही रहता है,
वो ठीक है, कुछ स्टैट्स जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में ये वर्ड आता है इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंशियल ईयर 2022 के अकॉर्डिंग, तो महाराष्ट्र टिक करना है, ये याद रखना। क्लियर हो गया आप लोगों को? आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, समझ आ गया। चलिए अगला बात करते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है वो किस चीज का रिकॉर्ड है, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है वो किस चीज के लिए देखने को आपको मिलता है। देखिए एक्चुअली जो हमारे वेटलैंड्स हैं जिन्हें हम रामसर साइट्स कहते हैं उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिकॉर्ड है, दैट इज द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसके कारण वेटलैंड्स आपके खत्म होते चले जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है आपका रजिस्टर किया गया है, एंड दिस इज द वेटलैंड साइट्स अंडर द थ्रेट ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। क्लियर, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज रिलेटेड विद द वेटलैंड प्रोटेक्शन। क्लियर, एंड वेटलैंड प्रोटेक्शन अंडर द थ्रेट ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या हो गया, मैन मेड एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, इससे हमें प्रोटेक्ट करके रहना है। अगेन वेटलैंड की बात करूंगा, वेटलैंड डे कब होता है, 2 फरवरी को होता है। रामसर साइट्स की अगर मैं बात करता हूं तो रामसर कॉन्वेंशन जो हुई थी 1971 में हुई थी, रामसर एक जगह है ईरान के अंतर्गत। क्लियर, और ईरान सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में, किसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में आता है, सैफरन, केसर की, और केसर हमेशा जो होता है जो लैंड होती है, जो उच्च लैंड होती है, हाईलैंड होती है, वहां पर उगाया जाता है। जैसे कि इंडिया की मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है, और उन हाईलैंड्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज करेवास कहा जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, करेवास कहते हैं उसको। क्लियर, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। सो दिस इज द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, और मैं आपको बता दूं करंट अफेयर वाला पार्ट जो है मैं हमेशा एंड में रखा हुआ है, और करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ाई जा रहे हैं, करंट अफेयर का मतलब ये होगा कि जिसमें आपके पूरे के पूरे एग्जैक्ट पेपर में उसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले, ऐसे नहीं कि कोई ये हो गया, कोई ऐसा हो गया, कोई वैसा हो गया, वो नहीं, एग्जाम रिलेटेड, ओनली एग्जाम रिलेटेड डालूंगा इसमें जी, एंड में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जो है लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है एंड सर्वाइविंग फॉर मोर देन द 150 बिलियन ईयर्स पहले, मतलब कहने का मतलब यह है लिविंग फॉसिल का मतलब इतना जो है टाइम से जिंदा है एक, ये कौन है, ये कौन सी चीज है, एंड दैट इज द ऑलिव रिडले टर्टल। ऑलिव रिडले टर्टल जो है आपके, ऑलिव रिडले नॉट जैथून, ऑलिव रिडले टर्टल, ऑलिव रिडले टर्टल जो है आपके उड़ीसा में आते हैं, और गाहिर माथा बीच के ऊपर, और वहां पे क्या करते हैं, मास नेस्टिंग, और उस मास नेस्टिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अरिबदा कहा जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और उड़ीसा की अगर मैं बात करता हूं तो भितरकनिका नेशनल पार्क है यहां पे, सिमलीपल टाइगर रिजर्व है यहां पे, और सिमलीपल में जो है आग लगती रहती है मैक्सिमम टाइम, मतलब जल जाता है अपने आप ही, तो दैट इज द ऑलिव रिडले टर्टल। सो हियर इज द ऑलिव रिडले टर्टल, ये मास नेस्टिंग करते हैं गाहिर मथा बीच के ऊपर। चलिए अगला आंसर बताइए, ब्लैक बक को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इंडिया में पहली स्टेट कौन सी बनी है, ब्लैक बक। क्लियर, अगर मैं ब्लैक बक की बात करता हूं तो इसका साइंटिफिक नेम है एंटीलोप सर्विकैप्रा, सो दिस इज द नेम, दिस इज द नेम। क्लियर, और इसको प्रोटेक्शन के लिए हमने कौन से एक्ट में डाला हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ये देखने को आपको मिलता है, एंड ये IUCN की लिस्ट में भी आता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लिस्ट में भी आता है, और IUCN के अंतर्गत जो है ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंतर्गत देखने को मिलता है। पॉइंट समझ आया, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और IUCN जो है इसके हेडक्वार्टर कहां पे है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और IUCN एक लिस्ट जारी करता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेड लिस्ट। क्लियर, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो के थ्रेटेंड हैं, जो के खत्म हो सकते हैं, उनकी बातें यहां पे करी जाती हैं। अब बात यह है कि कंजर्वेशन रिजर्व फॉर ब्लैक बक जो कौन सी स्टेट में है आपका, एंड दैट इज इन द कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया है, अलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है लॉन्च किया गया है। आंसर नंबर वन इज द करेक्ट, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया आप लोगों को, एक बिश्नोई कम्युनिटी जो है राजस्थान में है, उनके लिए बहुत ज्यादा पवित्र है ये ब्लैक बक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, ब्लैक बक उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
ब्लैक बक के लिए अगर मैं बात करता हूं तो आपने पता होगा ताल छपार ब्लैक बक सेंचुरी, ये कहां पे है? ताल छपार जो है ये कहां पे है? दैट इज इन द राजस्थान के अंतर्गत। क्लियर हो गया आप लोगों को? राजस्थान में, यस। और एक है आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क एंड दैट इज इन द गुजरात के अंतर्गत। क्लियर? ताल छपार जो है राजस्थान में है एंड ब्लैक बक जो है आपकी कहां पे है? दैट इज इन द गुजरात। चलिए जी, इनमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि ग्रीनेस्ट स्टेट है हमारे इंडिया का? ग्रीनेस्ट स्टेट का मतलब यह है कि वहां पे बहुत ज्यादा हरियाली है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, एंड दैट इज अ मिजोरम। हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम जो है सबसे ज्यादा जो है ग्रीनेस्ट देखने को आपको मिलता है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 90% जो एरिया है वो क्या है, यहाँ पे फॉरेस्ट है। क्योंकि हमने बात करी हुई है कि फॉरेस्ट, अगर हम बात करें फॉरेस्ट एरिया वाइज जो है आपका एमपी में है, लेकिन परसेंटेज वाइज की अगर बात करें तो मिजोरम में आता है। सो दैट्स व्हाई इट इज ए क्लीनेस्ट और द सॉरी इट वाज ए ग्रीनेस्ट स्टेट। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मिजोरम इज द राइट वन। और फॉरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं, हमारे फॉरेस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट कहां पे है? देहरादून में, देहरादून उत्तराखंड में। देहरादून हेडक्वार्टर किसके हैं? दैट इज इंडियन मिलिट्री अकेडमी के। देहरादून हेडक्वार्टर किसके हैं? दैट इज फॉरेस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट के एंड द सर्वे ऑफ इंडिया के। सर्वे ऑफ इंडिया के भी हेडक्वार्टर हैं देहरादून। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। क्लियर, ये याद रखना। और फॉरेस्ट जो है आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट का मतलब ये होता है जिसमें सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। आंसर नंबर डी। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर दो नेशनल पार्क याद कीजिए, मौलिंग एंड नामदाफ। सो दीज आर द टू नेशनल पार्क। क्लियर। सिक्किम हमारे भारत देश का 22वां राज्य बना था 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 द्वारा, और पहली भारत देश की ऑर्गेनिक स्टेट है। क्लियर, ऑर्गेनिक स्टेट है ये हमारे भारत देश की सिक्किम। ऑर्गेनिक स्टेट तो है ही है। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये याद रखने वाली बात है। असम की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, औरांग नेशनल पार्क है। क्लियर, दिब्रू साइकोवा है। सो दीज आर द नेशनल पार्क इन द असम। असम में मजूली आइलैंड भी है। मजूली आइलैंड इज द रिवराइन आइलैंड जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर बना हुआ है। सो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मिजोरम इज द राइट वन, मिजोरम। अगला बताइए, द यूजर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड द हार्मफुल हजार्डियस पॉल्यूटेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड। देखिये, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो पॉल्यूशन है उसको हम खत्म कर सकें, तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म और मेथड कौन सा आता है, एंड उसको हम क्या कहते हैं? बायोरेमिडिएशन के नाम से जाना जाता है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज नैनो रेमिडिएशन। नैनो मतलब 10^-9 मीटर की बात आती है। क्लियर हो गया, दैट इज द नैनो रेमिडिएशन। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर कोई बदलाव लेके आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, बायो रेमिडिएशन इज द करेक्ट आंसर, बायो रेमिडिएशन। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से हमारे संविधान के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट का आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है? यस, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है कि स्टेट जो है हमारे वेलफेयर के लिए काम करेगी, हमारे लिए काम करेगी। एंड दिस इज सीन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 के अंतर्गत देखने को आपको मिलता है आपका। और ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बना के रखता है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बना के रखता है कौन? That is directive principle of state policy, article number 36-51 में आते हैं ये। So this is in the article जो है answer number C, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये part 4, they are non-justiciable and non-enforceable। जबरदस्ती हम लागू नहीं कर सकते इन चीजों को। समझ आया? answer number C। fundamental rights जो होते हैं इन्हें हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। पार्ट 3 में देखने को मिलते हैं हमें, 12 से लेके 35 नंबर आर्टिकल तक देखने को मिलता है ये कॉन्सेप्ट।
प्रीएम्बल इज कॉल्ड द प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला पेज है आपका, क्लियर। और प्रीएम्बल में एक ही अमेंडमेंट हुई है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसमें हमने तीन वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, तीन वर्ड ऐड किए थे। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल्स, ये पता होने चाहिए आप लोगों को। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समझ आ रहा है ना तुम्हें? ऐसा स्ट्रक्चर बताइए जिससे फीटस यानी कि बच्चा प्लेसेंटा से अटैच होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जब भी बच्चा पैदा होता है तो एक जो मतलब बच्चा जैसे मदर से कनेक्ट होता है तो प्लेसेंटा, मतलब कहते हैं कि प्लेसेंटा के पास काटा जाता है, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर इज अम्बिलिकल कॉर्ड। जो गर्भनाल होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसे काटा जाता है, क्लियर। अम्बिलिकल कॉर्ड आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो हियर इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, यहां से जो है ये होता है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड का कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इससे बच्चा मदर के साथ कनेक्ट होता है, और बच्चा जो होता है वो कहां पे होता है? मदर के यूट्रस में। और यूट्रस को हम और क्या कहते हैं? वॉम। यूट्रस को हम वॉम के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला आंसर बताइए। इंटरनेशनल योगा डे जो होता है ये कब होता है? जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा समर सॉल्स्टिस होता है, जिस दिन हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस होता है, सन की किरणें जो होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती हैं, जाने के 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर आपकी पड़ती हैं ये सन की किरणें, क्लियर हो गया। तो उस दिन होता है योगा डे, डेट इज द 21st of June, 21 जून को ये दिन देखने को मिलता है। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 5 जून को क्या होता है? एनवायरमेंट डे, एनवायरमेंट डे, क्लियर हो गया आप लोगों को। सो आंसर नंबर ए, 21st of June इज द करेक्ट आंसर, इंटरनेशनल योगा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेपेटाइटिस इज ए, व्हाट इज हेपेटाइटिस? हिपेटोलॉजी, सुना होगा आप लोगों ने, व्हाट इज हिपेटोलॉजी? हिपेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लीवर, क्लियर। और जब भी पीछे आईटिस वर्ड आता है तो उसका मतलब क्या होता है? इंफ्लामेशन, दैट मींस लीवर की इंफ्लामेशन इज कॉल्ड आपका हेपेटाइटिस, क्लियर। सो व्हाट इज दिस हेपेटाइटिस इज ए, क्या है होता है हेपेटाइटिस? इट इज ए वायरल डिजीज, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हेपेटाइटिस इज ए वायरल डिजीज, यस, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन, यस जी, समझ आया? तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वायरल डिजीज होती है ये। और लीवर की अगर मैं बात करता हूं तो लीवर की ऐसा ऑर्गन है जिसकी मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी है, दोबारा से बनने की शक्ति ज्यादा है। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर जो रिजर्व एनर्जी होती है वो यहाँ पे स्टोर होती है, और जो है यूरिया यहाँ पे बनता है हमारी बॉडी के अंतर्गत। NH2CO का फॉर्मूला होता है यूरिया, 46% इसमें नाइट्रोजन देखने को मिलती है। यूरिया जो होता है आपका, यूरिया के बारे में अगर बात करें, पहला लैब के अंतर्गत बनाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड ये था, ठीक है। सो याद रखना है आपको। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वायरल डिजीज। ऐसी बैटरीज बताइए जिसमें हम स्मार्टफोन और मोबाइल फोन्स में हम यूज करते हैं, वो कौन सी बैटरीज होती हैं? जी वो कौन सी होती हैं? दैट इज अ लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो ड्राई सेल होते हैं, जैसे फ्लैश लाइट्स होती है ना हमारी, उनमें यूज करते हैं, टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं, दैट इज द ड्राई सेल। और लिथियम आयन जो यूज करते हैं मोबाइल और स्मार्टफोन्स में हम यूज करते हैं, क्लियर हो गया आप लोगों को जी। और मरकरी सेल जो होता है नॉन रिचार्जेबल होती है, नॉन रिचार्जेबल, उसमें मरकरी होता है रिचार्ज नहीं हो सकता, दैट इज द ये आपका नॉन रिचार्जेबल। लेड स्टोरेज बैटरी कौन सी होती है? यस बता सकते हैं आप लोग, यस बिल्कुल सही, दे आर द एमरजेंसी लाइट्स। जो एमरजेंसी लाइट्स होती हैं, जैसे लाइट चली जाए तो एमरजेंसी लाइट हम यूज करते हैं, तो वो होती है लेड स्टोरेज आपकी बैटरीज। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए अगला आंसर बताइए। जी क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ, मतलब
एक बॉडी को हमने फ्रीली फॉल करवा दिया धरती की तरफ, उसकी एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सभी जगह के ऊपर क्या होगी? सेम देखने को आपको मिलेगी। दैट मीन्स टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम, सभी जगह के ऊपर जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी आपकी, और दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी दैट्स वाई टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेलीविजन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम शार्पनेस की बात करते हैं कि हाँ कि जो है इसकी जो मतलब फीचर्स हैं वो बड़े शार्प हैं टेलीविजन में, टीवी में हम देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? उसके ग्राफिक्स के ऊपर, उसके ग्राफिक्स के ऊपर। मतलब क्या हुआ, जैसे पिक्चर्स देखते हैं आप लोग तो ग्राफिक्स होते हैं वो, तो पिक्चर्स में अगर हमें आंखों को अच्छी लगती है, गलत लगती है, डेट मीन्स भद्दी लगती है, अच्छी लगती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्राफिक्स के ऊपर। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शार्पनेस हमेशा ग्राफिक्स के साथ संबंधित है आपकी। जी देखिए, आप जो वर्ड कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि पूरी इमेज में क्या है, पूरी इमेज क्या होल्ड कर रही है, उसमें ग्राफिक्स भी आ जाएंगे, उसमें क्लैरिटी भी आ जाएगी, उसमें शार्पनेस भी आ जाएगी, सब चीजें आ जाएंगी, तो होगी आपकी रेजोल्यूशन। बट जब हम शार्पनेस की बात करते हैं तो उसमें हम ग्राफिक्स की बात करते हैं, ये याद रखना। और एक चीज मैं आपको बता दूं जो पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, टीवी होता है, टीवी का रिमोट होता है, रिमोट के आगे एक जो लाइट चल रही होती है, ब्लिंक कर रही होती है, वो लाइट के अंदर कौन सी लाइट होती है? वो इंफ्रारेड रेडिएशन। ये याद रखना, पेपर में बहुत बार आता है ये, इंफ्रारेड रेडिएशन होती है वो वाली। क्लियर, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला आंसर बताइए। द ब्लू कलर ऑफ द वॉटर इन द सी इज, जो समुद्र का नीला रंग होता है उसका रीजन क्या होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ब्लू कलर ऑफ द वॉटर एंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई? And this is due to the scattering of light. And this is due to the scattering of light. That is the scattering of the blue light. Answer number C is the correct answer. जो scattering होती है, जिसके कारण जो है color bluish देखने को हमें मिलता है। तो answer number C is the correct answer. Now is the current affair part. Current affairs के question है, तो फटाफट इसका answer देने हैं आप लोगों को। देखते हैं किसना मतलब कितना आप लोगों ने पढ़ा है। लक्ष्मण नरसिम्हन, ये जो है कौन सी कंपनी के जो है आपके जो है सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, और ये अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन एमएनसी है, और ये हमारे इंडियन है, एंड दैट इज द कौन है इंडियन ओरिजिन? लक्ष्मण नारायण, इट्स नरसिम्हन। बता सकते हैं आप लोग जी किसके? बिल्कुल सही, स्टारबक्स। स्टारबक्स कॉफी का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है ये, स्टारबक्स के अपॉइंट किए गए हैं, दैट इज लक्ष्मण नरसिम्हन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। मेरा काम मेरा मान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा काम मेरा मान, ये जो स्कीम है ये किस स्टेट ने लॉन्च करी है, और इस स्टेट के अंतर्गत इस स्कीम के लिए 90 करोड़ रुपया दिया गया है, और इसमें 2500 रुपया हर यूथ को मिलेगा एक साल के लिए, उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए मिलेगा, ताकि हम उस स्टेट के लोगों को जो यूथ है उसको हम क्या कर सकें, डेवलप मतलब स्किल्ड कर सकें। और ये क्या है, कौन है ये, बता सकते हैं आप लोग? जी बिल्कुल सही, बता सकते हैं आप लोग, दैट इज द पंजाब। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, पंजाब इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, पंजाब इज द राइट वन, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है एक न्यू नेवल इंसाइन लॉन्च किया है आपका, एंड ये है इंडिजिनियस है, हमारे इंडिया ने खुद बनाया है। क्लियर, तो बता सकते हैं आप लोग क्या है ये? जी, और बनाया कहां पे वो भी मैं आपको बता देता हूं, कोचिन शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है, एंड दैट इज, यस बता दिए, बिल्कुल सही, आईएनएस विक्रांत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडियन नेवी को दिया गया है ये। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेवी डे कब होता है? 4 दिसंबर को।
और 15 जनवरी को क्या होता है, आर्मी डे, क्लियर। और 8 अक्टूबर को दैट इज द एयरफोर्स डे। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी, INS विक्रांत इज द करेक्ट आंसर। इट्स नागेश सिंह जो है अंबेसडर चुने गए हैं कौन सी कंट्री के, इंडिया से गए हैं, कौन सी कंट्री के अंबेसडर चुने गए हैं ये बता सकते हैं आप लोग, एंड दैट इज द थाईलैंड, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, थाईलैंड। थाईलैंड की जो कैपिटल है वो है बैंकॉक और करेंसी क्या है, बाट, और दिस इज द कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट, दिस इज द कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट, क्लियर। थाईलैंड की अगर मैं बात करना चाहूंगा, व्हाइट एलिफेंट है और नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़ वर्ल्ड वाइड जो है सबसे ज्यादा थाईलैंड में देखने को मिलती है, और ये हमें लेटेक्स ऑफ द प्लांट से देखने को मिलती है, नेचुरल रबड़। समझ आया आप लोगों को, तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका, बी ऑप्शन, दैट इज थाईलैंड इज द करेक्ट आंसर, थाईलैंड। यस, बताइए अगला क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसमें आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, फिर उसकी जो जो चीज है मतलब जो आपकी FIR है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो ये बताइए कौन है, कौन जो है, कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है, कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च करी है, एंड दैट इज द जम्मू कश्मीर ईकॉम। सो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर, डी। तो ध्यान रखना है ये COP लिखा हुआ है, ये ECOP लिखा हुआ है, तो गड़बड़ मत कर जाना, आंसर नंबर डी। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जम्मू कश्मीर के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, क्लियर। चलिए अगला आंसर बताइए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मैन्युफैक्चर किया है तेजस मार्क टू फाइटर जेट, ये फाइटर जेट जो है किसने बनाया है जी, ये किसने बनाया है तेजस मार्क टू फाइटर जेट। सो दिस इज बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्लियर। एंड द हेडक्वार्टर इज बेंगलुरु, एंड द हेडक्वार्टर इज बेंगलुरु, एंड बेंगलुरु इज द स्पेस सिटी, बेंगलुरु इज द स्पेस सिटी कर्नाटका में है, क्लियर। और बेंगलुरु में इसरो के हेडक्वार्टर हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, 15 अगस्त 1969 को बना था इसरो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आंसर नंबर सी। पब्लिक ग्रीवियंसिस के लिए कौन सी जो है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ने टॉप किया है, ये पब्लिक ग्रीवियंसिस का मतलब यह है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस मिनिस्ट्री ने सबसे ज्यादा हेल्प करी है लोगों की, तो कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी मिनिस्ट्री ने किसके जो है ये काम किया है, यस बता सकते हैं आप लोग। देखिए ये रिपोर्ट जो आई है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने ये रिपोर्ट जो है पब्लिश करी है आपकी, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, क्लियर, एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज, इसने जो है ये रिपोर्ट जो है आपकी पब्लिश करी है। अब बात ये बताइए कि किसने टॉप किया है, एंड दैट इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI ने किया है टॉप, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन, यस आंसर नंबर बी, क्लियर हो गया आप लोगों को, UIDAI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर द फार्मर्स वेलफेयर, तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है ये रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर द फार्मर्स वेलफेयर, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए किसने लॉन्च किया है, यस बता सकते हैं आप लोग जी, बताइए बताइए बताइए, दैट इज मेघालय, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। मेघालय को मैंने अभी आपको बताया था बॉर्ड ऑफ क्लाउड्स बोलते हैं, और इसकी कैपिटल क्या है शिलोंग, कैपिटल क्या है शिलोंग, ये याद रखना, क्लियर। और यहां पे गैरो खासी जयंतिया हिल्स देखने को हमें मिलती हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। सिक्किम को मैंने आपको बताया था पहली ऑर्गेनिक स्टेट है, ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट है आपकी,
सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है आपका, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। नागालैंड में हम हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं आपका, नागालैंड में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है आपकी। त्रिपुरा की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क देखने को हमें मिलता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। सो आंसर नंबर क्या बनेगा, वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, मेघालय इज द करेक्ट आंसर, मेघालय, क्लियर। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, कैसे लगे क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो भी आप मुझे बताएंगे, क्लियर। और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मैंने अपने जो कोर्स है मेरा 10,000 एमसीक्यू कोर्स, उसकी प्राइस जस्ट 799 करी हुई है, एक साल की वैलिडिटी मिलेगी। आज रात 12 बजे तक इसको वैलिड है ये, और आज रात 12 बजे के बाद इसकी सेम प्राइस हो जाएगी, 2,000 रुपीज हो जाएगी। तो मेरी तरफ से आप लोगों को ये गिफ्ट है कि बिल्कुल मिनिमम प्राइस के ऊपर मैंने ये कोर्स जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्लियर। अब आप इस कोर्स को कहां से लेंगे, स्टडी आईक्यू ऐप पे या हमारी वेबसाइट के ऊपर। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहां पे दिखेगा सर्च बार, सर्च बार में डाल देना 10,000, तो आपको ये कोर्स नजर आ जाएगा। अदरवाइज आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स में और जस्ट लॉन्च के सेक्शन में भी नजर आ जाएगा। यहाँ पे जैसे आप खोलेंगे इसको तो कोड डाल देना टीच, कोड डाल देना टीच, आपको ये कोर्स जो है 799 रुपीज में मिल जाएगा, एक साल की वैलिडिटी के साथ। तो जल्दी से जल्दी अपने कोर्स को परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं, और बाकी इसका जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ पे भी शेयर कर दूंगा, और सारी चीजें जो है यहाँ पे अपडेट होती है, सारे लेक्चर्स पीडीएफ वगैरह हमारे डॉक्टर विपिन गोयल के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, क्लियर। बाकी आप मुझे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप फॉलो करें, और आपका कोई पेपर डाउट्स हो, एग्जाम हो, तो यहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, क्लियर हो गया आप लोगों को। सो गाइस ये थे क्वेश्चन, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर वो भी बताना आप मुझे, ठीक है। और करंट अफेयर्स का जो है, मतलब जो मैंने एडिशन करी हैं, कैसे लग रही हैं आप लोगों को, क्योंकि मैं एग्जाम रिलेटेड ही करंट अफेयर्स डालूंगा, ऐसा नहीं कि कोई भी करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं, जहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है वही क्वेश्चन हम डालेंगे, ठीक है। सो बताना जरूर, और ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं 799 में, सिर्फ आज रात 12 बजे तक ये वैलिड है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।